गदरपुर के कोपा गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिडकुल की तरफ से गांव में करीब 93 शौचालय बनाए गए। सिडकुल के प्राधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई करने के बारे में जानकारी दी। साथ ही लोगों को केंद्र सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी ताकि सभी ग्रामीण केंद्र की योजनाओं का फायदा। मैं आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए स्वच्छ क्योंकि जैसे टॉयलेट्स की बहुत ही अहम चीज, विश्व में एक भारतीय आयाम का संदेश देना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपको बताते चले, महत्वपूर्ण बात कि रुद्रपुर शहर के अंदर जो सिडकुल संस्था है, सिडकुल संस्था में डाबर इंडिया कंपनी है। डाबर इंडिया कंपनी भी स्वच्छता अभियान को लेकर के छोटे छोटे गाँवों में जाती है। गाँव में जाकर के वहाँ पर 700 कदम की दूरी पर लोगों को टॉयलेट मुहैया कराती है। हमारे साथ आज मौजूद है, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, कोपा गांव है। कोपा गांव के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ अजय तिवारी जी मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि किस तरह से गांव के लोगों को आप यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं साफ सफाई को लेकर। जी सबसे पहले मैं तो थैंक्स कहना चाहूंगा डाबर इंडिया को और संदेश संस्था को कि जिसके द्वारा ये कार्यक्रम, ये अभियान चलाया जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक 700 कदम न चल के केवल 7 कदम चलना, अपने घर से केवल 7 कदम की दूरी तय करना है, उसके पास टॉयलेट होगा। तो इन ये बहुत धन्यवाद के मतलब इनको देना चाहेंगे हम लोग सब मिलके। और जो इन्होंने कार्य किया है इस गांव के लिए, आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, करीब करीब इन्होंने 94 टॉयलेट यहां पे बनाए हैं और कुछ निर्माण जारी भी है, कुछ बन चुके हैं। और आज उनको जो है चेक देके, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के साथ मिलकर भागीदारी करी है, उस भागीदारी में डाबर भी शामिल है, संदेश संस्था शामिल है, और इनके द्वारा इनको चेक वितरित किया गया है और सफाई के लिए सैनी फ्रेश और ये सब भी कायदा इनको दिया गया है ताकि ये लोग अपने टॉयलेटों को साफ रखें।